हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस नॉलेज पर। दोस्तों मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र की गति का एक डेरिवेशन प्रूव करवाया था, जिस पर मैंने एक फार्मूला सिद्ध किया था आर बराबर एम वी अपान में क्यू वी। तो वही फार्मूले का मैं आज एक सवाल लेकर आपके सामने आ गया हूँ। मैं सोच रहा था कि यदि इसका एक डेरिवेशन हो चुका है तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, फिर बाद में तो मैं करवाऊंगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है और फार्मूला भी था। यदि आपने इसकी प्रूविंग या इसका डेरिवेशन नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को बताने से पहले, यदि आपने एनसीईआरटी पैटर्न के वीडियोज पाना चाहते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के मानों के हमें पहचानना होता है मात्रक से। तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए मात्रक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये के चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता है बी। यहाँ से दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि एम हमारा जो होता है वह होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और वी हमारा जो होता है चाल, और क्यू हमारा होता है आवेश, और ये बी होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ये आप देख सकते हैं, ये बी होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो बी है ये चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि इस बी का जो मान होगा चुंबकीय क्षेत्र बी का वो होगा 0.5। यहाँ पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाद बोल रहा है सवाल 3×10^7 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो वी जो हमारा होता है वह चाल होता है, उसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पर हमें मात्रक भी लिखना होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसकी जो अगली वीडियो आएगी उस पर मैं चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा तथा इसके जो 3-4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मात्रक होते हैं वो भी आपको निकाल कर सिखाऊंगा। इस वीडियो पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वी यानी कि चाल, इसका मान दिया हुआ है 3×10^7 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद कह रहा है इसकी चाल से वृत्त पर घूम रहा है, एक वृत्त पर घूम रहा है वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या आर को फाइंड करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पता है आर इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है एम वी अपान में क्यू वी। तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले को लगाने वाले हैं। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका मान क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, यदि प्रोटॉन की बात करता तो हमें प्रोटॉन का द्रव्यमान रखना होता, परंतु इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो यहाँ हमें करना होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आशा करता हूँ ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, होता है 9.1×10^-31। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि होता है 1.6×10^-19। तो इन वैल्यूजों को हमें सारी की सारी इस पर पुट कर देना है। तो यहाँ से मैं पुट कर रहा हूँ आर इक्वल टू, रखूंगा एम का मान हम 9×9.1 रखें, अथवा फिर 9 से भी काम चल सकता है। मैं यहाँ पर 9 रख ले रहा हूँ, 9×10^-31, और इंटू में V यानी कि V की मान हमें पता है 3×10^7। तो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ 3×10^7। इसके बाद हमारा मान है जो Q, Q का हमें पता है कि 1.6×10^-19। लेकिन दोस्तों हमें इसे 1.6 ही रखना होगा। क्यों रखना होगा? कि जब दशमलव के बाद 5 अंक होता है, 5 या 6, 7, 8 होता है, तो इधर हम इसे 2 कर सकते हैं, इसलिए इधर हमें रखना होगा, परंतु यहाँ 1 था तो 1 को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6×10^-19 मल्टीपल बी का मान हमें पता है दिया हुआ है 0.5। अब दोस्तों हमें इस दशमलव को हटा देना है, जब इस दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि दाहिने तरफ, दाहिने हाथ की तरफ से जब गिनेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगा था, जब नीचे दशमलव हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाता है। इसके बाद हम यहाँ से कर देंगे इसका मल्टीपल 9 और 3 के कितना होता है 27,
और ये वाला जीरो मल्टीपल के 10। अब आपको पता है कि ये 10^+7 है और ये 10^-3 है, तो ये प्लस वाली घात माइनस वाली में माइनस हो जाएगी। यहाँ पर हमारा जब 7 में 3 चला जाएगा तो बचने वाला है 4×10^4, वो भी प्लस का। क्यों? क्योंकि जो बड़ी घात होती है उसी के साइन पर आंसर आता है। इसके बाद ये जो हमारा 10^-19 है, इसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे। जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो साइन होगा वो बदल जाएगा, तो वो हो जाएगा 10^+19। ये वाले को इसको मैं ऊपर ले गया तो इसका साइन बदल गया, इसके बाद हो जाएगा 1.6×5। इसके बाद यहाँ से हमको क्या करना है, ऊपर से भी हम इसे मल्टीपल करा सकते हैं, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 270। जब 27 का और 10 का मल्टीपल कराएंगे तो हो जाएगा 270। इसके बाद जब 10^4 और 10^19 को दोनों प्लस हैं तो इनको हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 10^23। इसके बाद नीचे मल्टीपल करा देंगे तो 16×5=80। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अंक में दशमलव लगा है, तो हमें इधर से एक अंक लेकर दशमलव लगाना होगा। तो जब हम इसे एक अंक से दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से दशमलव के बाद ये 0 भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ से इसको कैंसिल करना होगा इसी 8 से, तो यहाँ से आपको इस 8 से कैंसिल करेंगे तो 8×3=24, 8×4=32 ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ से करेंगे 8×3=24। अब आपको देख सकते हैं कि यहाँ 27 है और हमारा 24 तक भाग गया है, यानी कि 3 हमारा बच गया। तो जब 3 बच गया तो ये हो गया 30, तो हमारा जब ये 30 हो गया तो 8×3=24 और 8×4=32 होता है, तो फिर 3 बार आ गया। फिर इसके बाद हमारा बचा 6, तो 6 हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने लगाया दशमलव तो 10+ हो गया। जब 10+ हो गया तो हो गया 60, तो 8×5=40, 8×6=48, 8×7=56, तो यहाँ पर 7 हो गया। इसके बाद हमारा फिर बचा 4, तो फिर हमारा हो जाएगा 8×40×10^23। यदि आपकी ये बात समझ में नहीं आई तो 8^270 में दे देना, इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको इसे एक दशमलव को खसका कर इधर लाना है, तो इसे एक दशमलव खसका कर जब आप इधर से इधर लाते हैं तो हमारी घातें जो होती हैं प्लस में बदलती हैं, और जब दशमलव को इधर से इधर ले जाते हैं तो घातें हमारी माइनस में बदलती हैं। तो यहाँ से मैं एक दशमलव इधर लाया तो 3.3375×10^। अब जब इधर आएगी घात तो हमारा दशमलव एक घात हमारी प्लस होगी, तो हो जाएगी 10^24, वो भी हम आर का जो मान है दूरी, यानी इसका मात्रक जो हमारा होगा वो होगा मीटर। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अगली जो मेरी वीडियो होगी उस पर मैं चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मात्रक होते हैं उन्हें मैं निकाल कर दिखाऊंगा, किस प्रकार से निकाले जाते हैं वो सारा कुछ उसी वीडियो पे मैटर करेगा, उसी वीडियो पर बताऊंगा। बस दोस्तों आज के लिए